हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक नए व्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फिलहाल आप देख रहे होंगे कि मैं व्लॉग नहीं बना पा रही हूँ, बहुत कम बना रही हूँ, वो इस चक्कर में क्योंकि थोड़ा सा मैं कहीं पे बिजी थी। लेकिन फिर भी छोटे मोटे हमने व्लॉग बनाए डाले हैं। तीन जने एक एक लड्डू खा लो भाई, आ जाओ। प्रिंसु सुन रहे है, लड्डू ले लो बेटा। ये आपस में फोन मिला मिला खुश हो रहे। ये दे, किसका फोन आया? हेलो मतलब दोस्तू मैं तो इनकी तो एक दूसरे से चल रही है बकवासबाजी, बस यही करेंगे। और दीदी ने बनाई आज कढ़ी, तो एक बार कढ़ी तो बन चुकी है, लेकिन कढ़ी में ऊपर से फिर दोबारा छोक लग गए, मतलब दो बार तड़का लगाती है दीदी, एक बार सुबह पहले और एक बार बाद में। आज जल्दी बना रहे हैं क्योंकि जल्दी बनाएंगे, जल्दी खाएंगे, जल्दी सोएंगे, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो बच्चों के एग्ज़ाम के लिए फटाफट खाना खा के और फिर वो करेंगे मतलब इनको पढ़ाने लगेंगे। ये मम्मी यहाँ पे बहुत सारी साड़ी वाड़ी थी, बेड में पड़ी थी मेरी, उल्टी पुल्टी हो रही थी, उनकी तय कर रही है, तो मैं भी साथ में तय करवाती हूँ फटाफट। ये सारे कपड़े बेड में रखे थे और सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया था, तो थोड़ी सी तो धूप लगाई। और अभी घर में जल्दी शादी आने वाली है, तो उस चक्कर में सारे कपड़े निकाले कि इसमें से कौन सा मैं पहन सकती हूँ, कौन सा नहीं पहन सकती। और इसी बीच हमें कुछ ऐसे ऐसे भी कपड़े मिले जो कि मुझे रखने ही नहीं थे, लेकिन वो अभी भी बेड में रखे हैं। तो सबसे पहले तो सारे कपड़ों की हमने तय लगाई। मम्मी पहले थक गई थी क्योंकि मम्मी काफ़ी देर से कर रही थी, तो फिर मैंने फटाफट सारे कपड़ों की तय लगाई, जिसमें बहुत सारी साड़ियाँ, लहंगे और चुन्नी थी, और मतलब ब्लाउज थे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि जो मुझे पता भी नहीं था कि अच्छा ये भी रखा है, ये भी रखा है। फिर मम्मी ने कहा कि सारे कपड़ों को एक काम कर, पोटली बांध दे फिलहाल के लिए, कल बेड की सफाई करेंगे अंदर की, और फिर उसमें अच्छे से इनको पन्नी में पैक करके रैप करके फिर रखेंगे। तो पहले तो अब ये था कि इनकी तय करने में मुझे इतना टाइम लग गया, बहुत ज़्यादा। लेकिन ऐसा होता ही है कि हम जो महंगे महंगे कपड़े होते हैं उनको रख देते हैं और फिर काफ़ी दिनों बाद संभालते हैं, तो फिर लगता है कि इसमें से कौन सा पहनने का, कौन सा नहीं पहने या नहीं पहने, बहुत डाउट में रहते हैं क्योंकि फैशन ही चला जाता है। अब मेरे पास इतनी महंगी महंगी साड़ियाँ हैं जो कि पहले की, लेकिन आज उनको पहनने का मन ही नहीं करता क्योंकि उस टाइम तो वो अच्छी लगती थी, लेकिन आज वो कढ़ाई वढ़ाई वाली साड़ी अच्छी नहीं लगती। तो अब ये है कि जैसे तैसे करके मैंने सबको तय लगाया। साड़ियों को तय करना बहुत ही मुश्किल वाला काम होता है, लेकिन मैंने फिर भी करी। और ये तो बनारसी साड़ी है, इसकी तो तय हो ही नहीं रही थी, फिर मैंने तय में तय मिलाई, दीदी ने खोल दी थी, तो थोड़ा ऐसा भी लग रहा था क्यों खोल दी दीदी ने, क्योंकि काफ़ी सिल्की सी है और इसकी तय करना ही बड़ा मुश्किल वाला काम था, लेकिन फिर भी मैंने कर दिया। फिर हमने पोटली बांध दी कि इसको पोटली बांध के अभी तो रख देते हैं क्योंकि शाम हो चुकी है, अभी जचाने का भी टाइम नहीं है कि इनको जचाएं, फिर सोच समझ के जचाएंगे। आज इन पे सभी पे धूप लगवा दी, बेड में पड़े पड़े इनमें थोड़ी स्मेल भी हो गई थी, और यहाँ पे चलो ये काम तो निमटा, लेकिन एक रजाई है जो कि ड्राई क्लीन कराई थी, थोड़ा ऊपर सुखा रखा था, तो फिर वो उतार के लेके आई। ये मेरी रजाई है फेवरेट वाली, अब से सर्दियों में यही ओढ़ेंगे क्योंकि ये ड्राई क्लीन हो गई है, अब इसके अंदर जो स्मेल थी वो ख़त्म हुई। तो ये मेरा खाना डल चुका है, हम तो टाइम से खाते हैं खाना, कढ़ी भी बनने ही लग रही है, लेकिन मैं अपना खाना ले चली। तो यहाँ पे कढ़ी खिलाई जा रही है बच्चों को कूट पीट के, और ये देखो इसे कढ़ी नहीं खाई जा रही है। और युग युग अब सही खाई जा रही है मेरे तरीके से, ला दूसरे तरीके से खा रहे क्या कढ़ी, इसके अंदर छाछ मिला ली कढ़ी के अंदर, और ये देखो मैंने ये निकाला। हाँ भाई छाछ है, लच्छी लस्सी, लस्सी लच्छी कह रही हूँ। और अब इसके अंदर की सारे मिर्च बीज बीज निकाल देते हैं और फिर ये इनको पिएंगे। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक नए व्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फिलहाल आप देख रहे होंगे कि मैं व्लॉग नहीं बना पा रही हूँ, बहुत कम बना रही हूँ, वो इस चक्कर में क्योंकि थोड़ा सा मैं कहीं पे बिजी थी। लेकिन फिर भी छोटे मोटे हमने व्लॉग बनाए डाले हैं। तीन जने एक एक लड्डू खा लो भाई, आ जाओ। प्रिंसु सुन रहे है, लड्डू ले लो बेटा। ये आपस में फोन मिला मिला खुश हो रहे। ये दे, किसका फोन आया? हेलो मतलब दोस्तू
तो इनकी तो एक दूसरे से चल रही है बकवासबाजी, बस यही करेंगे। और दीदी ने बनाई आज कढ़ी, तो एक बार कढ़ी तो बन चुकी है लेकिन कढ़ी में ऊपर से फिर दोबारा छोंक लगे, मतलब दो बार तड़का लगाती है दीदी, एक बार सुबह पहले और एक बार बाद में। आज जल्दी बना रहे हैं क्योंकि जल्दी बनाएंगे, जल्दी खाएंगे, जल्दी सोएंगे, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो बच्चों के एग्ज़ाम के लिए फटाफट खाना खा के और फिर वो करेंगे मतलब इनको पढ़ाने लगेंगे। ये मम्मी यहाँ पे बहुत सारी साड़ी वाड़ी थी, बेड में पड़ी थी मेरी, उल्टी पुल्टी हो रही थी, उनकी तय कर रही है, तो मैं भी साथ में तय करवाती हूँ फटाफट।